और आपका जो भी ऐप मिस होगा वो स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे मेरा यूट्यूब था मिस, ये अभी आ गया है। नमस्कार दोस्तों, कार म्यूजिकम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीत दुबे आज लेके आया हूँ एक और नया वीडियो। गाइज, आज का वीडियो है स्मार्ट नॉलेज वाली प्लेलिस्ट के लिए, जहां पे बहुत सारे स्टीरियो की प्रॉब्लम्स मैंने सॉल्व की हैं। नो डाउट कमेंट सेक्शन में लोगों ने मुझे थैंक्स भी बोला है, इसी वजह से आज के वीडियो में मैं एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ। मान लीजिए आपके पास किसी भी कंपनी का एंड्रॉयड स्टीरियो है और आप उसको रिबूट करना चाहते हैं या फिर फैक्ट्री हार्ड रिसेट करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि आप जैसे ही फैक्ट्री रिसेट करते हैं या फिर आप रिबूट करते हैं तो कुछ ऐप डिलीट हो जाते हैं, कुछ ऐप बने रहते हैं। तो उसमें क्या सेटिंग ऐसी है जो आपको करनी है, उसके बाद आपको फैक्ट्री हार्ड रिसेट करना है। बेसिकली अगर बात करें फैक्ट्री हार्ड रिसेट करने की, तो लोग छोटे छोटे एरर को खत्म करने के लिए फैक्ट्री हार्ड रिसेट करते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लूटूथ की कोई सेटिंग आपसे ऊपर नीचे हो गई, या फिर साउंड सही नहीं आ रहा, कुछ ब्रेक हो रहा है, या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो सबसे पहले जो सेलर होता है वो बोलता है फैक्ट्री हार्ड रिसेट करने के लिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फैक्ट्री हार्ड रिसेट करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, कौन सी ऐसी सेटिंग है जो आपके डेटा को सेव करेगी, मींस जो डेटा आपके स्टीरियो के अंदर है, जो ऐप है, वो कैसे सेव रहेगा आफ्टर फैक्ट्री रिसेट भी। तो आज का वीडियो पूरा देखिए, और अगर आपके स्टीरियो में कोई भी प्रॉब्लम है वो किसी भी कंपनी का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार म्यूजिक आपके यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट है स्मार्ट नॉलेज की, उसमें 110% स्टीरियो के हर एक इशू का सॉल्यूशन वीडियो है, तो आप वो देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और मैं मेहनत कर रहा हूं भाई, इसको शेयर भी कर दो, क्योंकि ये वीडियो ना फ्री में आपके स्टीरियो को सही करेगा। और भी बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो यार वर्ल्ड वाइज लोग पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन यार इंडिया में सब्सक्राइबर मेरे बढ़ क्यों नहीं रहे, मैं यही सोचता रहता हूं। तो हेल्प करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी कार म्यूजिक हब को आप फॉलो कर लो। हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और देखते हैं किस तरीके से आपको प्रॉपर फैक्ट्री रिसेट करना चाहिए, जिससे कि आपके ऐप भी डिलीट ना हो और कोई भी प्रॉब्लम स्टीरियो में ना हो। तो गाइस, सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और सेटिंग्स के बाद आपको जाना है कार सेटिंग में, और कार सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन दिखेगा एक्स्ट्रा सेटिंग। एक्स्ट्रा सेटिंग में जाके आपको पासवर्ड टाइप करना है 1 2 3 4 5 6 और ओके करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एपीके अपडेट, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बैकअप इंस्टॉल्ड एपीके, इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपका जो एपीके फाइल थी वो अपडेट हो जाएंगी, इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्ट करके रखना है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि ये नेटवर्क का काम है, तो नेटवर्क इश्यू की वजह से इसमें आई थिंक आपका 2-3 मिनट लग जाएगा। आप देखेंगे डाउनलोड मैनेजर, जो कि गूगल प्ले स्टोर से आपको सारे ऐप रिकवर करके देगा जो इस स्टूडियो के साथ थे, और यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट होना जरूरी है। आप अगर रिसेट कर रहे हैं तब भी ये सेटिंग करें, और फैक्ट्री हार्ड रिसेट कर रहे हैं तब भी ये सेटिंग करें, जिससे कि आपके जो ओरिजिनल ऐप इसके साथ इंस्टॉल होके आए एपीके फाइल में वो आपके रिमूव ना हो। तो आपको बार बार सेटिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा जाके आपको सेटिंग करनी है। और जो ये मॉडल है ये है T3L, ऐसे ही TS7 में होता है, T5 में होता है, और 9216CJ जो MTK के एंड्रॉइड स्टूडियो आते हैं उनमें भी सेम होता है। बस ये सेटिंग याद रखना आप। तो अभी ये अपडेट हो चुके हैं, आपको सेटिंग याद रखनी है एपीके अपडेट, और यहाँ पे आपको बैकअप इंस्टॉल्ड एपीके पे क्लिक करना है हार्ड रिसेट करने से पहले, या फिर अगर आप हार्ड रिसेट कर चुके हैं, आपका कोई भी ऐप मिस हो गया है, ऐप मिल नहीं रहा है, जैसे जेड लिंक हो गया है जिससे एप्पल कार प्ले होता है, तो वो सारी चीजें आपको इससे रिकवर हो जाएंगी। तो बैकअप इसका लेके और इंटरनेट कनेक्ट करके ही करना, नहीं तो होगा नहीं, फिर आपको परेशान होना पड़ेगा। 5-10 मिनट वेट करके आपको ये सेटिंग के बाद आपके सारे ऐप रिकवर होके दिख जाएंगे। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है कार सेटिंग्स में, या फिर कार सेटिंग्स डायरेक्ट है तो वहां पे जा सकते हैं। एक्स्ट्रा सेटिंग्स, वैसे फैक्ट्री सेटिंग में जाना होता है लेकिन इसके अंदर T3L है, तो ये एक्स्ट्रा सेटिंग में आपको जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 यही पासवर्ड डालना है, अगर 8888 डालोगे तो ये जो फीचर आपको दिख रहा है ये शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको करना है सीधा बैकअप, एंड देन आपका पूरा काम हो गया, और आपका जो भी ऐप मिस होगा वो स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे मेरा यूट्यूब था मिस, ये अभी आ गया है। तो इस तरीके से आप स्मार्ट नॉलेज ले सकते हैं कार म्यूजिक आपके यूट्यूब चैनल से।
आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके स्टीरियो की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गई होगी, आपका जो डेटा है वो सेव हो गया होगा, अगर आपके ऐप डिलीट हो जाते हैं तो वो भी सही हो गए होंगे। इसी तरीके से स्मार्ट नॉलेज में जो भी वीडियो है वो 110% आपके लिए हेल्पफुल है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम कार म्यूजिक हब 93 पे एक छोटा सा वीडियो बना के आप मुझे मैसेज कर दीजिए, या फिर फेसबुक पे कार म्यूजिक हब का जो पेज है वहां पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब रिप्लाई की बात करें तो भैया देखो थोड़ा सा टाइम तो लगता है क्योंकि अभी मैं हो गया हूं थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा बिजी, क्योंकि पहले मैं करता था सीधा कॉल पे बात और प्रॉब्लम सॉल्व कर देता था, लेकिन अभी आपके प्यार की वजह से मेरे पास थोड़ा सा काम ज्यादा है तो आपको थोड़ी सी हेल्प करनी पड़ेगी और पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि मैं फ्री में हेल्प कर रहा हूं भाई, ये चीज माइंड में रखो। बाकी मुझे मैसेज करो, मैं 110% उसके लिए सॉल्यूशन वीडियो बनाऊंगा या फिर आपको एक वीडियो रिकमेंड कर दूंगा जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है स्टूडियो की वो सही हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये है कार म्यूजिक हब और यहां मिलेगा सब।